हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। टुडेज वीडियो इज सोलो लेवलिंग के एपिसोड सीजन वन का एपिसोड 3। तो हम जैसा कि हमने पीछे देखा हुआ होता है कि सभी डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी बॉस रूम को, हिडन बॉस रूम को देखने के लिए अब आगे की ओर बढ़े होते हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है, काफ़ी देर से हम बहुत दूर तक चल रहे हैं लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कितना देर हम और चलेंगे? अबाउट 40 मिनट। 40 मिनट से हम चल चुके हैं। द गेट क्लोजेस इन आवर। जो गेट है वो डी रैंक का डंजन जो है वो अब 60 मिनट में क्लोज होने वाला था, अब उसमें 20 मिनट बचे हुए हैं। ये कहते हुए आगे बढ़ते हुए, ये सोलो लेवलिंग का सीजन वन का एपिसोड 3 है। तभी संजीनो कहता है, सॉरी। तो जूही कहती है, अबाउट वॉट? किस लिए? तो संजीनो बताता है, तुम अपने आप को गुस्से में यहाँ पर लाई हो इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जूही कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजीनो कहता है, तुम सच में ठीक हो? जूही गुस्से में कहती होती, टू बी ऑनेस्ट, सच में तो मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम एक बहुत ही बड़े पागल हो। तुम हमेशा क्या कहते हैं, घायल होकर आते हो, इसलिए मुझे तुम्हें हील करना होता है। कभी तुम्हारे हाथ, कभी तुम्हारे पैर पर चोट लगी होती है, इसलिए तुम्हें हील किया करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए जूही गुस्से से लाल हो जाती है। संजीनू कहता है, बात तो सही है। तभी जूही भी कहती है, क्या तुम्हारे सर में भी चोट लग गई है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? संजीनू सॉरी कहता है। और संजीनू मन में सोचता है, सच में मैं मिस जूही के हीलिंग के बिना यहाँ तक नहीं आ सकता था, क्योंकि मिस जूही एक बी रैंक की हीलर हैं। संजीनू सॉरी कहता है। तभी हमें आगे देखने को मिलता है, क्या तुम सच में सॉरी बोल रहे हो? जूही कहती है। संजीनू कहता है, हाँ तो चलो ठीक है। जूही राहत की सांस लेते हुए और जूही शर्माते हुए कहती है, यदि सच में तुम दुखी हो तो अबाउट ट्रीटिंग मी सम फूड, मुझे फूड की खाने की दावत देने के बारे में क्या सोचते हो? संजीनू घबराते हुए कहता है। तभी जूही उससे गुस्से से कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते? तो संजीनू बताता है, मैं खाना चाहता हूँ, शर्माते हुए। तभी हमें एक तीसरा बंदा दिखाई देता है, बोलता है, ये रहा बॉस का रूम। तभी बॉस के रूम को देखकर सभी लोग कहते हैं, हमने इस तरह के बॉस का रूम कभी नहीं देखा है, ये बहुत ही विचित्र है। तभी लीडर कहता है, क्या यह प्लेस सच में बहुत ही खतरनाक है? तभी उसका दोस्त कहता है, हाँ। तभी लीडर कहता है, क्या तुम सभी खाली हाथ वापस जाना चाहते हो? हम पहले व्यक्ति होंगे जो इस डंजन में आए होंगे, क्या सभी लोग तुम वापस जाना चाहते हो? तभी लीडर कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, यहाँ पे कोई आपको रोकेगा नहीं। और ये कहते हुए वो बॉस रूम में एंटर करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं अकेले ही बॉस रूम में जा रहा हूँ। और लीडर बताता है, दरवाज़ा बहुत आसानी से खुल जाता है, लेट्स गो इन, चलो चलते हैं अंदर। ये कहते हुए हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मसाले जल रही होती हैं। एक बॉस का रूम होता है, यहाँ की लाइट बहुत ही अच्छी होती है, कहते हैं। तभी सभी कहते हैं, मैंने ऐसे डंजन को कभी देखा नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं है। दिस स्टैचूज फील वियर्ड, ये स्टैचू बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर रही है, ये बहुत ही अजीब है। तभी कहते हैं, दे सभी स्टैचू कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होल्ड किए हुए हैं, दे आर क्वाइट अलॉट, फील स्कैरी। संजीनू कहता है, ये बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला है, सो मेनी। तभी वो वाओ कहता है, डजंट आई फील समवन स्टेयरिंग एट यू। तभी मुझे दिखता है जो बॉस होता है वो बैठा हुआ होता है, वो कितना विशाल होता है, दैट्स नॉट राइट। अब ये एक मूर्ति होती है, जो विशाल का मूर्ति बॉस होती है। दिस इज द ओनली वन दैट्स इज ह्यूज, यही बॉस होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। देयर इज नथिंग दैट रिजेंबल अ मॉन्स्टर हियर, सभी कहते हैं यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे हम हरा सकते हैं। कहते हैं सिंगल वन, कोई एक भी नहीं है। तभी हमें एक मैजिक सील दिखाई देती है जिसमें कुछ ना कुछ तो बना ही होता है। मिस्टर सन, समथिंग्स रिटन हियर, थिंक यू नीड टू कम। मिस्टर सन कहते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा है, तुम्हें आना चाहिए। तभी सभी आगे उस ओर बढ़ते हैं जहाँ पर कुछ लिखा होता है। कहते हैं, ये यूनिक टेक्स्ट है, यूनिक जिसको आता है यूज़ पढ़ सकता है। तभी टेम्पल के बारे में वहाँ बताया जाता है,
फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, हमें सबसे पहले पूजा करनी होगी बॉस की, लॉर्ड की। सेकंड प्रेज द लॉर्ड, फिर हमें प्रशंसा करनी होगी लॉर्ड की। ए जिनू देयर द ह्यूज स्टैचू, जो ही कहती है वो जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है। थर्ड प्रूव योर फेथ, उसके बाद हमें अपने फेथ को उसके सामने शामिल कर साबित करना होगा। जो उसका आई है, जो ही कहती है जिसका आई है वो घूम रहा है। तभी संजीनू कहता है तुम्हें कोई मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है। तभी संजीनू के मन में फीलिंग होती है, व्हाट इज दिस फीलिंग, ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। दोस्त डू नॉट फॉलो द कमांड्स विल नेवर रिटर्न अलाइव, अगर कोई कमांड को फॉलो नहीं करता है तो हम वापस नहीं जा सकते। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, ये देख कर सब भयभीत हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कांट स्टैंड एनी मोर, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। यू गाइज आल रिस्पॉन्डिंग नॉनसेंस, ये केवल एक नॉनसेंस है। इवन कम हेयर, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यही कह के एक बंदा बाहर की ओर जाना है, मैं जा रहा हूँ, जाने लगता है। द बॉस ट्रेजर्स वट एवर यू गाइज कैन टेक इट, बॉस का जो भी ट्रेजर होगा तुम लोग ले सकते हो, मैं जा रहा हूँ, गुड लक। तभी हमें बहुत ही खौफनाक तरीके से चिल्लाते हुए बंदा बोलता है, रुक जाओ, डोंट पुट योर हैंड्स ऑन द हैंडल, तुम्हें अपना हैंडल उसके दरवाजे पे नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ अपना हाथ रखने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बंदा उसकी सुनता नहीं है, अपना हाथ हैंडल के दरवाजे के ऊपर रख देता है और खोलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है ब्लड, बहुत ही ज़्यादा ब्लड। वो एक स्टैचू होता है जो कि उसकी गर्दन एक झटके में लगा देता है। जो स्टैचू होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, उसके पास एक खतरनाक हथियार होता है और वो उसको बहुत आसानी से एक झटके में किल कर देता है, फिर वैसे खड़ा हो जाता है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दैट थिंग मूव्स, क्या ये सभी चल सकती हैं? द हेल वी हैव टू फाइट दोस, हमें इससे लड़ाई करनी होगी। संजीनू और जूही बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी रुको, कोई कहता है, देयर द आई बॉल, जूही कहती है उसकी आंखें, इफ दैट वॉज रियली ट्रू, ये सत्य है, उसकी आंखें हिल रही हैं। तभी संजीनू उसकी आंखों की तरफ देखता है, वो चमक रही होती हैं। संजीनू बहुत ही घबराते हुए, यहीं पे सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का एपिसोड 3 खत्म होता है। सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का एपिसोड 4 आपको कल मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।